आखिर खुद ब खुद कैसे सरक रहा है ये पत्थर इस वीरान रेगिस्तान में, और इंडिया का अपना इल्यूमिनाटी भी एग्जिस्ट होता है। ये है मिस्ट्री फैक्ट्स। द सेलिंग स्टोन्स कहे जाने वाले ऐसे पत्थर आपको डेथ वैली कैलिफोर्निया के रेस ट्रैक नामक एक ड्राई लेक में देखने को मिल जाएगा, और इन्हें सेलिंग स्टोन्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे ही खिसकते रहते हैं बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के। 2014 में रिसर्चरों की टीम ने इन पत्थरों का एक टाइम लैप्स या फिर फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बनाया, जिसमें आप देख सकते हो इस पत्थर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे जा रहा है। रिसर्चरों ने यह अनुमान लगाया है कि इस ड्राई लेक का जो सरफेस है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लैट है, और फिर भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स के बिना इन पत्थरों का हिलना तो नामुमकिन लग रहा है। हज़ारों सालों से अनगिनत लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस या फिर अपने बॉडी से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस किया है, और ये सुनने में बहुत रियल लगता है क्योंकि लगभग दुनिया के हर कल्चर में ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस या फिर अपने बॉडी से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस का बात इसका जिक्र मिलता है। सो क्या हम ये मान सकते हैं कि आफ्टर लाइफ या फिर मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है या फिर एक वर्ल्ड है, एक डायमेंशन है जहां हम जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? एक हैवी ब्रेन इंजरी के बाद जब ये आदमी फुल्ली रिकवर हो जाता है तब ये एक प्रोफेशनल पियानिस्ट की तरह पियानो बजाने लगता है। तब डॉक्टरों को पता चलता है कि इन्हें एक्वायर्ड म्यूजिकल सिंड्रोम नामक एक सिंड्रोम हुआ है उस ब्रेन इंजरी के चलते, जिसकी वजह से वह अभी एक प्रोफेशनल पियानिस्ट बन चुके हैं। इंडिया के पास भी इल्यूमिनाटी जैसा अपना सीक्रेट सोसाइटी है जिसे कहा जाता है 9 अननोन मैन, और इसे ढूंढा गया था या फिर बनाया गया था एम्परर अशोका के द्वारा आफ्टर द ब्लडी बैटल ऑफ कलिंगा, जिस बैटल में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और आसपास का सारा नज़ारा एकदम लाल हो गया था। सो इस वार के बाद, इस बैटल के बाद एम्परर अशोका ने इस सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, और माना जाता है कि इस सीक्रेट सोसाइटी में 9 लोग हैं, 9 अननोन मैन, मतलब 9 लोगों का ग्रुप, जिसमें से हर एक लोगों के पास एक सब्जेक्ट का ज्ञान होता था, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी हो गया, वॉरफेयर का टेक्निक्स, यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल का भी नॉलेज था इनके पास। और माना जाता है कि ये ग्रुप आज भी एग्जिस्ट करता है जेनरेशन टू जेनरेशन। असफ जा डायनेस्टी का अमीर उस्मान अली खान आखिरी और 7वां निज़ाम था, और ये फेमस थे अपने बेशकीमती दौलत के लिए, और टाइम्स मैगज़ीन ने इन्हें 1937 में वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी घोषित किया था। पर ताज्जुब की बात यह है कि इनके मौत के इतने सालों के बाद भी हमें उनका वो बेशकीमती दौलत हाथ नहीं लगा है। बहुत लोगों का ये मानना है कि किंग कोटी पैलेस, जो कि हैदराबाद में है, उसी पैलेस के अंडरग्राउंड चेंबर्स में उनका खजाना छुपाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।